टूर्नामेंट सही समय में क्लोज करना है, लेट तक नहीं चला सकते। राम शर्मा आप जैसे आए थे ना बस सेम रास्ते से रिटर्न प्लीज, थैंक यू। राम शर्मा ने अभी से वहीं से गिव अप कर लिया है कि इतनी उच्च कोटे की कमेंट्री हो रही है। बहुत बढ़िया राम शर्मा, आपको पता है ये आर की जोड़ी है, ये कभी टूट नहीं सकती। ऐसे बहुत सारे राहुल हेड़ा आएंगे और जाएंगे। जी साहब अब हम आ गए हैं गेम में, आएंगे कमलेश, अब जाने की बात तो ना होगी। कमलेश जी स्ट्राइक पे है, नॉन स्ट्राइकर्स पे है मिस्टर। मुझे लगता है राम अब डॉन टीम के महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुके हैं। रन चुराया इसी बीच, पहला रन अपना खाता खोला कमलेश जी ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत की सबसे पुरानी बैंक है, पहले ही गेंद में खाता खोल दिया, वहां पर पासबुक भी अपडेट कर लिया। सीधा बल्ले से खेला रितेश, जब भी मैं सीधा बल्ला देखता पता नहीं मुझे कुछ हो जाता है क्या। प्रोफेशनल क्रिकेट का यहाँ पर प्रमाण देते हुए दो गेंदों में दो रन, कमलेश जी ऑन स्ट्राइक, सीधा ड्राइव, कवर ड्राइव, जोरदार तालियां हो जाए यार, क्या फील्डिंग है, जोरदार तालियां प्लीज, व्हाट अ फील्डिंग। जिस खूबसूरती से वो गरबा करते हैं उसी खूबसूरती से फील्डिंग करी है। अब गरबा बड़ा मिस कर रहे हैं राहुल। राम शर्मा इधर ही है, जाना है गरबा में। राम धीरे अपने भेज चुके हैं, वो अगर यहाँ पर नहीं रहेंगे ना रितेश, अगले साल में वो स्पेल नहीं खेलूंगा, वो 12 बजे के बाद भी आएंगे पर आके ही जाएंगे। मैं इनवाइट करना चाहूंगा राम शर्मा जी को, आपकी बहुत खूबसूरत डिमांड है इस कमेंट्री बॉक्स में, आप प्लीज आए और शोभा बढ़ाए इस कमेंट्री बॉक्स की। बिल्कुल गैप में खेला राम शर्मा की जो हिंदी कमेंट्री है ना, पर राहुल हाँ आप में एक प्लस पॉइंट है कि आप इंग्लिश कमेंट्री भी कर सकते हैं, जो राम शर्मा बार बार अटेम्प्ट करने के बाद भी फेल हो चुके। एक मार्क आपका प्लस हो जाता है इस कारण से। तो ऑन अ सीरियस नोट, राम शर्मा ने सच में रिटायरमेंट के बारे में यू शुड गिव अ थॉट। क्या राहुल ये वही सीट थी जिसके लिए आप मेरे को कंसीडर कर रहे थे? सी दिस इज अ मैन इट मैन कंपटीशन वाला जमाना है भाई, तो आज अगर वो नहीं है तो दूसरा कोई, राज कपूर चले गए, इंदिरा गांधी चली गई, दुनिया किसी के लिए ठहरती नहीं है। राहुल वेंकट जी नए बॉलर सामना करेंगे कमलेश जी। डॉक्टर साहब आ चुके हैं ऑपरेशन करने अपने मरीजों का, देखना होगा यहाँ पर बल्ले को कनेक्ट हुआ है क्या। राहुल जी मैं आपका ध्यान मुकेश जी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, काफी खूबसूरत और चुस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बिल्कुल सही कहा, 100% 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। लुक एट दैट शॉट, लुक एट दैट कैच, लुक एट दैट कैच, व्हाट अ कैच जी, यही आपको मैच जिता के ले जाएगा। कैचेस हैव बीन द मैचेस। दीप भाई आपको पर्सनली मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्या कैच पकड़ा आपने ये एज में, अगर आपका ये रिफ्लेक्स एक्शन है तो मुझे नितिन भाई जिन्होंने ये अमेजिंग अनबिलीवेबल कैच लपका, आज मुझे लग रहा है आपने साउथ अफ्रीकन टीम को, जो एंटीडोट्स की टीम को कोच किया होगा। अरे जब ये खेलते थे तो साउथ अफ्रीकन थी बॉस, ब्लैक एंड व्हाइट का इशू था, नेल्सन मंडेला जेल में गए थे, अभी आपको क्या बताऊं मैं। 92 में वो कोच कर रहे थे, ये आजकल के युवा सही में यार, इनको इतिहास की जो धरोहर है इन्हें वो शायद मिली नहीं है, वो अपने रिच कल्चर भारत के कल्चर से वाकिफ नहीं है। बिल्कुल मुझे याद है नेल्सन मंडेला के साथ में जो जेल रोको आंदोलन था तो रितेश भी उसमें था। जेल भरो आंदोलन मत कीजिएगा। तो राहुल आपको कुछ भी बोलने के पहले जो ऐतिहासिक जो फैक्ट्स होते हैं प्लीज उसके साथ छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो सीधा कैटेगरी सी, इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ओएसपीएल की। कमेंट्री बॉक्स में काफी डर का माहौल। वी आर अ नॉन
एंड अ वेरी जीरो टॉलरेंस विथ ऑल दिस थिंग्स. फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप तोड़ मरोड़ के नहीं बोल सकते, आप कमेंटेटर हो, न्यूज एंकर नहीं हो. क्या बात है राहुल, क्या बात है. यहाँ पे तालियां इस खूबसूरत से स्टेटमेंट के लिए. हम कमेंटेटर्स हैं, हम न्यूज एंकर नहीं. हम न्यूट्रल है, हमारी गाड़ी न्यूट्रल पे चलती है आगे. कभी भी कोई भी रिवर्स गियर या फिफ्थ गियर नहीं होती, हमें न्यूट्रल रहना होता है. स्कोर इसीलिए इतने साल सालों साल से हम लोग कमेंट्री कर रहे हैं और लोग पसंद इसीलिए करते हैं कि आप इतिहास को जैसे वैसे इतिहास को प्रतीत करते हो, दिखाते हो, बयां करते हो. काटे जी बॉलर, खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे देखने को मिली. उनका नेट शायद पैक खत्म हो गया है, नेट पैक वापस आ गया है. स्कोर अपडेट करेंगे ऑडियंस को इस ओवर के बाद. शांति से किरीट भाई ऑन साइड सामना करेंगे काटे जी का. नितिन भाई थोड़े आगे आ चुके हैं, एक रन रोकने की चेष्टा कर रहे थे पर उन्होंने देखा किरीट भाई ऑफ में है तो उन्होंने लेग की तरफ, माफ कीजिएगा, ऑन की तरफ ग्लांच करके रन कंप्लीट किया. जोरदार शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पर डीप में. पूरे पक्के 3 रन बचाए अपने टीम के लिए. फिर से एक बार थोड़ी सी तब्दीलियां फील्ड में. देखने को मिल रही है ओल्ड स्कूल टेस्ट मैच फील्डिंग. फील्डिंग द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है बल्लेबाज पे. कुछ सेकंड का विलंब यहाँ पर, हम लोग स्कोरर को टाइम चाहिए. बताना चाहूंगा स्कोरर्स को हर इंडिविजुअल प्लेयर का नाम, बॉलर का नाम, फील्डर का नाम सब अपडेट करना पड़ता है. सो बहुत ही गेंदबाज है प्रदीप, टफ जॉब है और इसमें बिल्कुल भी मार्जिन ऑफ एरर 0 है. यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते. एक सेकेंड अंपायर प्लीज, हमें पता है हम लोग समय का अभाव, हम लोग लेट चल रहे पर ये भी जरूरी है. केवल कुछ सेकेंड रुक जाइए. नए बॉलर प्लीज आपका नाम बताइए. प्रदीप भाई स्कोरर, आर यू रेडी? 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 17 रन. और रॉकी की ये जबरदस्त कोशिश पर 1 रन चुस्ती से दौड़ के कंप्लीट किया. क्या फिटनेस होगी. फिर से एक बार बढ़िया फील्डिंग यहां पर, वन हैंडेड स्टॉप पर उतनी तेज सतर्कता, आई टू आई कोऑर्डिनेशन और 1 रन का इजाफा. और ये हम क्या देख रहे हैं, बहुत ही स्मार्ट क्रिकेट. देखो इन्होंने ना राहुल स्ट्रैटेजी बना रखी है कि एक प्लेयर जो है स्ट्राइक रोटेट करेगा और एक प्लेयर जो अपने आर्म्स खोलेगा. वो स्ट्रैटेजी के अनुकूल, बिल्कुल अनुकूल खेल रहे हैं. सदियों से चली आ रही है स्ट्रैटेजी, इन्हीं की धरोहर है. वन रन डिक्लेयर, वन डी, वन रन डिक्लेयर. फील्डिंग वहां पर, स्कोरर थोड़े जूझ रहे हैं नेट से और बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव यहां पर केवल 1 रन मिलेगा यहां पर. सीधे फील्डर के हाथों में कुछ स्कोरिंग में स्कोर थोड़ा बोर्ड अपडेट नहीं हो पा रहा है. उन्होंने वोडाफोन का पैक लिया है. राम शर्मा की एक बात याद आई, राम शर्मा ने मुझे एक बार कहा था कि देख यार राहुल में 1 GB का मेरा रोज का पैक है. नए बॉलर है रॉकी, राकेश भाई, राकेश शाह ऑफिशियली, अनऑफिशियली AKA रॉकी. क्या ये बुलेट थी. स्कोर
24 रन। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं राकेश भाई, आज जबरदस्त जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहिरा राकेश जी की ओर से। 1.2 ओवर्स 24 रन्स इज द लेटेस्ट अपडेटेड स्कोर। और ये बोल बोल, ये तो होना ही था, बुलेट की तरह गेंद आई रॉकी भाई ने विकेट निकाला। पावर बॉल था ये, सोने पे सुहागा, -4 बॉलर नेम राकेश, बैट्समैन ने मिस्टर जॉन। लास्ट ईयर इन्होंने बहुत चाबुक शॉट मारे थे राहुल और रितेश, मुझे अभी तक मेरे मेमोरी में वो शॉट फ्रेश है, इनकी जो गूंज है वो शॉट की अभी तक मेरे कानों में। उसी तरह जिस तरह दिलीप कुमार का थप्पड़ डॉक्टर डैन के कानों में थप्पड़ की गूंज गूंज रही थी, बिल्कुल कर्मा का जबरदस्त सीन में आज भी नहीं भूल सकता हूँ। आप कैसे भूलेंगे, आपके जमाने की मूवी है। बिल्कुल, मैं 10 साल का था, दिलीप साहब के बहुत बड़े फैन हो आप, 10 साल का था मैं जब रिलीज हुई थी। का इशारा और एक रन कंप्लीट, 2 रन का इशारा होगा, काफी क्रुशियल 2 रन रितेश। उस -4 को भी इनको रिकवर करना है राहुल भाई, सही कहा आपने राहुल। और ये रिकवरी का सबसे बढ़िया नमूना पेश किया, नमूना पेश किया है, परिचय दिया, चार नहीं दिया जाएगा, डॉट बॉल दी जाएगी क्योंकि बल्लेबाज चार्जिंग लाइन क्रॉस कर गए। दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट, बढ़िया शॉट था जॉन भाई की ओर से, पर बड़े बड़े टूर्नामेंट में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, इससे हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से गेम में वापस आएंगे। ये पहली बार है जिसमें सीनियर सिटीजन की मैचेस में पावर बॉल का इंट्रोडक्शन हुआ है। इन्होंने खुद डिमांड की है कि हमें और ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलनी है, और वो कैसे करें, लेवल ऊपर कर करके, जैसे मेंस खेलते इतने सालों से उन्हें भी लगा कि वो भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, और वही स्तर की क्रिकेट खेलते रहेंगे। बताना चाहूंगा 5 ओवर में 28 रन हुए लेकिन -4 करेंगे तो 24 रन है, बॉलिंग करेंगे नितिन भाई, और ये बाल बाल बच गए, बहुत ही खतरों से खेल रहे, अंगार से खेल रहे हैं जॉन। और कितने भी चैलेंजेस आए लाइफ में, अगर आपका धैर्य आपका लक्ष्य एक है तो आपको उससे कोई नहीं हटा सकता, उसका जीता जागता प्रमाण। पहले गेंद से बाउंड्री मारने की चेष्टा कर रहे थे पर उसमें अभी सफल हुए, 4 रन का इजाफा हो गई लेकिन इनके इरादों को नहीं झुका पाई, और इस गेंद पे इन्होंने वो चौका बटोरा और स्मार्टली स्ट्राइक रोटेट कर एक रन चला। अंपायर क्या ये पावर बॉल है, अभी हो गया पावर बॉल हो गया, किरण भाई स्ट्राइक पे बिल्कुल अपनी क्रीज से बाहर खड़े हुए हैं, और उनकी जो मंशा थी एक रन चुराने की, उनको चाहते हैं कि स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा जॉन को दे, क्योंकि जॉन का जो नेचुरल गेम है हिटिंग का उसका फायदा उठाने की कोशिश। और ये फिर से एक बार तगड़ा शॉट, एक ही रन से सेटिस्फाई होना होगा यहां पर, दूसरा रन यहां पर चुराते हुए, और ये बिल्कुल अर्जुन की तीर की तरह स्कोर अपडेट करना चाहेंगे आपको। Four runs are required to win of 6 overs, that is 36 balls. Ritesh, you have been an experienced campaigner all this while. What do you think? How this match is going to fare in the coming time? Very competitive cricket being played, and I'm sure the senior citizens have, I would say super citizens, they've played cricket all their life, right from the era which you mentioned where you came from,
in the 1970s when they've seen even Gavaskar debuting. You can imagine the 5-6 decades of experience what they've got their back, and they've learned very little nuances of cricket. बिल्कुल, I agree with you, Ritesh. But due factor जब अभी light के बाद आता है, तो due factor से कुछ bowler को फायदा हो सकता है या बल्लेबाजी टीम को फायदा हो सकता है, वो reference में आपसे पूछना चाह रहा था मैं. लेकिन राहुल भाई, मैं आपका ध्यान यहाँ पे इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूँगा. पिछले मैच में स्कोर बड़ा था, लेकिन फिर भी सिर्फ 10 रन शॉर्ट रहे थे. इस बार स्कोर 35-36, रन बॉल का गेम है. आप मेरा सवाल भी डिटेल लास्ट स्कोर हो, शायद मेरा सवाल नहीं समझ रहे. मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि ड्यू कर सकता है क्या? बिल्कुल ड्यू नहीं करेगा, क्योंकि OSPL टेक्नोलॉजी OSPL में इस्तेमाल की गई है. राहुल बहुत देश विदेश घूमते रहते हैं, उनको शायद पता नहीं रहता कि कौन से ग्राउंड पे कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो उनको लगा ये MCG के बड़े ग्राउंड पे कमेंट्री कर रहे हैं, जहाँ पे ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, बॉलर ग्रिप छोड़ देता है. लेकिन OSPL ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है कि ड्यू पढ़ने ही नहीं देते, बॉल गीला होता ही नहीं है. तो राहुल, आपको वो सब चीजों का ध्यान भी रखना है. मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ कीजिएगा. अंतर्राष्ट्रीय दौरे मेरे कंटिन्यू चलते रहते हैं. मैं लास्ट वीक में, जैसे इन्होंने कहा, मैं सिडनी में था. दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड. माफ कीजिएगा, फिर से एक बार क्षमा प्रार्थी. MCG क्रिकेट ग्राउंड, जो कि अगेन ऑस्ट्रेलिया में ही है. काफ़ी टूर मेरी होती है वहाँ पर. मैच में वापस आएंगे, समय का अभाव है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहते हैं दर्शकों को. आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं मुझे सुनने के लिए. राहुल, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. मेरा इंडिविजुअल चैनल है, 10 मिलियन फॉलोअर्स है मेरे. बिग बैश लीग के हर्षा भोगले के साथ कमेंट्री करने वाले सीनियर कमेंटेटर हैं. अपने कंधों पर टीम का भार लेते दीपक भाई पटेल, मेरे सह कमेंटेटर, मेरे मित्र रितेश पटेल के पित्री. क्या लगता है रितेश, थर्ड जनरेशन क्रिकेट चल रही है, आपके पिताजी खेल रहे हैं, आप खेलते हो, दर्श इतना बढ़िया अपना गेम खेल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह की भावनाएं मन में घर बनाती है, क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? जी राहुल, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्रिकेट समर्विया को ये प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए, जहाँ पे तीनों जनरेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही पिच पे खेलते हुए नजर आती है. ऐसा कहीं भी नजर आपको शायद ही नहीं दिखे. बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से. एकमात्र प्लेटफॉर्म राम शर्मा ने तो ऑलरेडी गिव अप कर दिया है, कोई प्रयास नहीं, हमको कमेंट्री बॉक्स में आने की हिम्मत ही नहीं हो रही. जब हम एक प्योर हिंदी सेशन लगाएंगे यहाँ पर राम शर्मा जी, तब हम थोड़ा कंसिडर कर लेंगे. आप निश्चित रहिए, बाकी आपके रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन तो शुरू ही है, आपको पता है. बहुत ही बढ़िया गेंद यार, उसी से ज्यादा बेटर बैटिंग, एक रन का इजाफा. रॉकी, जो कि राकेश भाई AKA रॉकी ऑन द स्ट्राइक, कलाई का उपयोग, रितेश कलाई का उपयोग, क्या बढ़िया शॉट खेला इन्होंने, रिस्ट यूज की आसानी से सिंगल गैप में, बढ़िया गेंद. बार बार कह रहा हूं मैं, एक्सपीरियंस का बढ़िया कॉल, वाइड, कोई जवाब नहीं है, बॉल को छोड़ने का वाइड रन अर्जित किए यहाँ पे. ओवर की समाप्ति की घोषणा, स्कोर अपडेट करेंगे स्कोरर. आप प्लीज यहां पर गेम में ध्यान दीजिए. टेस्ट 11 रन, बढ़िया शुरुआत, 11 रन. बताना चाहूंगा वो 4 रन जो पावर प्ले के थे रितेश,
वो टीम के स्कोर में एक्चुअली 7 रन है और वो 4 ऐड करके 11 रन है। फाइव पे प्रदीप भाई, बिल्कुल अब टारगेट दिख रहा है 38 का। और नवीन भाई मेहता नए गेम क्लास, काफी एक्सपीरियंस अंडर हिज बेल्ट। गुड स्टार्ट, आसानी से सिंगल यहाँ पर पॉइंट पे ग्लाइड कर दिया बॉल को नवीन भाई, जाके जबरदस्त बॉलिंग, फिर से बॉल चली गई है ग्राउंड के बाहर, डिक्लेयर होता है एक रन। पावर बॉल यहाँ पर अंपायर ने पावर बॉल की घोषणा की है, बहुत ही दिलचस्प होता है रितेश, एक पावर बॉल पूरा गेम का रुख बदल सकती है यहाँ पर। बिल्कुल सही फरमाया, एक्स्ट्रा ही गेम डिफाइन करती है, अगर 6 के 6 बॉलर सही लाइन लेंथ से बॉल डाले तो क्या ही कहे, कोई भी लक्ष्य डिफेंड कर सकती है। दो माइंड में थे, डाउन द विकेट निकले जरूर थे, पर जब बल्ला कनेक्ट नहीं कर पाया तो समझदारी से उसको ग्लांच कर दिया एक रन के लिए। सनीचर की शाम सबके साथ ये मजा है अलग, पूरे साल जिसका इंतजार होता है, OSPL आ चुकी है फिर से, ये टाइम दिसंबर में आई है। दो ओवर के पश्चात रितेश स्कोर अपडेट करना चाहूंगा, 18 रन बॉलिंग करेंगे जॉन, और ये क्या डिलीवरी थी, ये बिल्कुल कमेंटेटर भी समझ पाए, रफ स्पॉट में गेंद को पिच किया और वहां से और ये जबरदस्त, द बेस्ट कैच ऑफ दिस डे, बेस्ट कैच ऑफ दिस टूर्नामेंट मैं कह सकता हूं। जोरदार तालियां चेतन भाई के लिए, व्हाट अ कैच, जोरदार तालियां प्लीज, 100 कैच। चेतन भाई हमारे साथ काफी क्रिकेट खेले हुए इनिशियल डेज में, हम उनको स्टीव वॉ कहते थे, स्टीव वॉ की तरह दिखते हैं वो, और बहुत ही अच्छी कैच पकड़ी, पावर बॉल यहाँ पर राम शर्मा आपकी, और ये क्या पावर बॉल पे रॉकी ने अपना विकेट गवा दिया है। अभी 4 मैच और बाकी है राहुल, तो आ जाइए, आपकी कुर्सी खाली हो चुकी है, इसके आराम से खेलो। राम शर्मा आपको आखिरी ओवर है, आपको रिटायरमेंट के ऑर्डर पे सिग्नेचर्स बाकी है हमारी, आप एक बार आपका निर्णय फिर से सोच सकते हैं, परमिशन ली है साउंड की हमने 12 बजे तक, अगर तू इधर नहीं आया ना आज रात के पहले तो मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगा। क्या फील्डिंग है यहाँ पर, क्या कमिटमेंट है, 100 मार्क्स फॉर दिस कमिटमेंट। इनकी एज अगर हम जान लेना राहुल तो पता चलेगा, थोड़ा 2 सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज अंपायर। नितिन भाई आप अपडेट कर दो आराम से, अभी एक चौका मारा, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो लाइव स्क्रीन बड़ी रखी हुई है, आप वहां पर भी रिफर कर सकते हो, जो कि बिल्कुल झूठ है। एक मिनट, एक मिनट, एक सेकेंड अंपायर थोड़ा होल्ड कर, एक मिनट मैंने कहा था अगर ये बंदा कमेंट्री बॉक्स में नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता, भले आके बैठेगा इधर उधर की मीठी मीठी बातें भी करेगा पर माइक लेके मानेगा, पिछले 8 साल का ट्रेंड है ये। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा
10 बजे की बड़ी चिंता है, उनको पता नहीं है ये वेस्ट प्लेयर है। यहाँ 12 बजे की पर स्पेशल परमिशन मिलती है, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई खुद आते हैं वो परमिशन लेटर देने के लिए। हेलो, धन्यवाद राहुल और रितेश। फाइनली आप लोगों के बहुत ही ज्यादा आग्रह पे मैं कमेंट्री बॉक्स में आ चुका हूँ और एक बार फिर आप सब लोगों को आरआरआर की जोड़ी इस बार कुछ जबरदस्त ब्लास्ट करने वाली है, मैं ये समझता हूँ। और ओएसपीएल 9 का आगाज हो चुका है, महाकुंभ जैसे मैं हर वर्ष कहता हूँ राहुल, वो शुरू हो चुका है। ये राहुल, राम आते ही राहुल की बोलती बंद हो चुकी है। हेलो, इसी बीच मैच में आते हैं, क्या जबरदस्त यहाँ पे ओएसपीएल 9 का स्कोर हुआ है। 3 ओवर पश्चात 26 रन, 16 रन चाहिए 3 ओवर में। डीजे राहुल का एक बार माइक स्टार्ट कीजिए प्लीज। हेलो हेलो डीजे प्लीज, टेक्निकल टीम, दादा जो भी है। हेलो, चेक चेक 1 2 3 चेक चेक। गेम में वापस आएंगे हम लोग। ऑडियंस को बताना चाहूंगा इसके बाद हमारी और मेरे ख्याल से 3 से 4 मैचेस और बाकी है, बहुत ही मजा आने वाला है। हमारे कमेंटेटर्स भी सेव पूरी खा के फुल्ली चार्ज है। और क्या शॉट था ये नितिन भाई का, चाबुक शॉट जिसे कहते हैं, बिल्कुल भी सीधा और सटीक स्ट्राइक पे है प्रदीप भाई। डीजे इसके पहले मेरी माइक की बैटरी डाउन हो जाए, ड्रेन हो जाए, प्लीज उसको रिप्लेस कीजिए। आपको मेरा शायद महत्व पता नहीं है, कमेंट्री बॉक्स में मैं कोई भी चांस नहीं ले सकता। और डीजे यहाँ पर आते हुए आपका अभिवादन करता हूँ मैं, आपने मेरी महत्व का पहचानी, प्लीज इसको ठीक कर दीजिए। बारह गेंदों में दस रनों की दरकार। बढ़िया फील्डिंग वहां पर, क्या बात है, अच्छी बॉलिंग की रमेश चिचानी जी ने, 1 रन का इजाफा। जोरदार मारने का प्रयास, मेरे ख्याल से हर एक गेंद पे अगर सिंगल का भी टारगेट रखेंगे राम, एक्स्ट्रा एक तो आ जाएंगे। पावर बॉल, निर्णायक गेंद, पावर बॉल, थोड़ी सी चेंजेस। चार रन
टोटल 4 रन मिलेंगे। मैच ये आखिरी गेंद तक जाने वाला है। नो बॉल का इशारा और बाउंड्री, नो बॉल में 4 रन। प्लेयरों को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के पार, 4 रन। मैच इज ओवर। नेक्स्ट टीम प्लीज, समय का अभाव है, जल्द आप टर्फ पे आ जाइए।